आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। जिंदगी में क्या कुछ नहीं होता, गाड़ियां टकराती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मैं उन्हें ठोक पीट कर ठीक कर देता हूँ, फिर चलने लगती हूँ, जो हो गया उसे भूल जा। लूट हम दोनों ने मिलकर की थी, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बाहर रह गए इसलिए सेठ जी कहलाए और मैं अंदर चला गया इसलिए चोर कहलाया। दोस्तों, आज जिस एक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत वर्सेटाइल थे, वो हीरो भी थे, विलन भी थे, कॉमेडी भी करते थे और सबसे बढ़कर करेक्टर आर्टिस्ट थे। फिर भी कोई ख़ास शोहरत नहीं मिली, असली शोहरत मिली उस वक्त जब वो खुद प्रोड्यूसर बन गए और कई बड़ी बड़ी फिल्में बनाई बड़े बड़े स्टार्स को लेकर, और वो थे सुजीत कुमार। माकोनिया और रमेश, व्हाट अ सरप्राइज। हाँ, फिल्म मिला, डिकोड किया, चौमन से बात भी किया। हाँ सतीश यार, बात करेगा? व्हाट? तो होल्ड ऑन, लाइन में कुछ डिस्टरबेंस है, हम दूसरा लाइन से बात करता है। मोमेंटो। तुमने मुझे नहीं, एक जहरीले सांप को छेड़ा है। रवि बाबू, तुमने अपने पाप की तरह अपनी मौत को लुटाया है, लेकिन तुम जानते नहीं मेरा काटा पानी नहीं मांगता। 26 जून 1934 में पैदा हुए थे सुजीत कुमार बनारस में, जो उत्तर प्रदेश में है, एक बहुत ही अमीर और रईस खानदान में। उनके पिता का नाम था ठाकुर अथर सिंह और वो बहुत बड़े जमींदार थे। सुजीत कुमार की माँ का नाम था राम प्यारी और वो हाउसवाइफ थी। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता देते हैं कि सुजीत कुमार अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और उनका असली नाम था शमशेर सिंह। सुजीत कुमार पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी बनारस में, बनारस यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की थी। पढ़ने लिखने के अलावा सुजीत कुमार को एक्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था और कॉलेज के दिनों में वो कॉलेज के ड्रामों में हिस्सा भी लिया करते थे और यही शौक उन्हें मुंबई ले आया। मुंबई चले गए थे फिल्म के शौक में। अच्छा, हीरो बनने के लिए? नहीं, विलन। अपने को तो काम बिगाड़ने में मजा आता है, लेकिन किसी डायरेक्टर ने चांस ही नहीं दिया। सर कहता है कि मिट गए जिसके लिए नाम तक उसका न लिया, काश इस बात की उसको भी खबर हो जाती है। तुम शेर बहुत अच्छे सुनाते हो शंकर। मुंबई आने के बाद सुजीत कुमार की मुलाकात हुई मशहूर डायरेक्टर फनी मुजुमदार के साथ और फनी मुजुमदार ने उनको अपना असिस्टेंट बना लिया और ये वादा किया कि मैं अगली फिल्म में तुम्हें हीरो बना दूंगा। लेकिन अफसोस कि वो नौबत ही नहीं आई क्योंकि वो फिल्म फ्लॉप हो गई। सुजीत कुमार ने दोबारा हीरो बनने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी और इसका नतीजा भी निकला। उन्होंने कई छोटी मोटी फिल्में साइन कर ली बहसियत हीरो। हसीन वादियों फिजाओं से कह दो, हवाओं से कह दो, मेरा यार मेरा प्यार लेके आया है। ए जाने जा चले कहाँ, शरब गुस्ताखी माँ। ए जाने जा चले कहाँ, खफा खफा जुदा जुदा, ये बेरुखी कैसी, नाराजगी है कैसी। सुजीत कुमार कहते थे कि मैं हीरो बन के तो मशहूर नहीं हो पाया, लेकिन कई फिल्मों में मैंने हीरो के दोस्त का रोल निभाया जो लोगों को बहुत पसंद आया और उसके बाद मुझे काफ़ी हद तक शोहरत भी मिल गई। और उन फिल्मों में से एक फिल्म थी आराधना। तुम यहाँ सुबह सुबह क्यों आए? यार, लड़कियों के मामले में तू अनाड़ी है। कल रात तेरी हालत देखते ही मैं समझ गया था कि तेरी हालत नाजुक है, इसलिए लड़की देखने मैं खुद चला आया। और अब देखने के बाद? देखने के बाद सच सच बताऊं, भाभी बनने लायक है। किसकी? मेरी और किसकी? शादी कर, बड़ा बड़ा शादी, मगर जानना पहचान। यार ये टेक्निक मैं सिखाऊंगा।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सुजीत कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ फिर भी कोई मुझे पहचानता नहीं और ना ही मेरे टैलेंट को कोई अप्रिशिएट करता है, इसलिए 1984 में वो खुद प्रोड्यूसर बन गए क्योंकि पैसे की तो कमी थी नहीं उनके पास। उनकी पहली फिल्म बहसियत प्रोड्यूसर जो थी वो एक भोजपुरी फिल्म थी और उसका नाम था पान खाए सैया हमार, और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा भी थे। भैया ई का खेला अपनी जान पर खेल गया। अरे भोला तोरे हीरा जैसन लड़का बदे एक नार सिंह तका दस नार सिंह का जान चल जाए तो काम है। सुजीत कुमार ने भोजपुरी फिल्में बनाने से पहले खुद कई भोजपुरी फिल्मों में काम भी किया था और बहुत मशहूर हीरो बन गए थे। अरे पगली सबके सामने जब तो के आपन दुल्हन बनाई तो बनाई, आज ते ही बखत तो के आपन दुल्हन बनाए के तोरे दिल से ही डर हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने भी सुजीत भैया के साथ कई फिल्मों में काम किया है, वो मुझे बहुत चाहते थे और अपनी बहन मानते थे। दोस्तों ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि सुजीत कुमार ने कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में भी बनाई बड़े बड़े स्टार्स को लेके, जैसे आसमान से ऊंचा, चैम्पियन, दरार और खेल। 1967 में सुजीत कुमार ने शादी कर ली थी, उनकी बीवी का नाम था किरण और उनके दो बच्चे हैं जतिन और हिना, लेकिन अफसोस कि सन 2007 में सुजीत कुमार की बीवी किरण ये दुनिया छोड़ के चली गई, उनको किडनीज का प्रॉब्लम हो गया था। सुजीत कुमार अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते थे और बीवी की जुदाई का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और सन 2010 में वो भी ये दुनिया छोड़ के चले गए, उन्हें कैंसर हो गया था। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूंगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज और करते रहिए सब्सक्राइब।